पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। और निश्चित रूप से आनंद भाई वही बेटे हैं जिनकी वजह से माता पिता का आशीर्वाद मिला, और ये अपने पिता पुत्र के उत्तराधिकारी हैं। एक और कविता याद आ रही है जिसका, जैसे कि लिखते हैं ना, ये अपना विल लिखा जाता है, वसीयतनामा लिखा जाता है। तो उन्होंने अपनी कविता में लिखा कि बहुत से लोगों ने कहा, उनको पिताजी को कहा कि आप अपना वसीयतनामा लिख दीजिए। आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि बेटे को अपने बाप के बेटे को साबित करने के लिए भी कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो उसमें लिखा था कि देखिए, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, अगर आपका पुत्र जो अच्छा है तो धन संचय की क्या जरूरत है, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो उन्होंने कहा कि जो छोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, कविताएँ लिख करके जो भी है, उसमें जो सबसे अहम पंक्ति थी वो ये थी कि मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। और निश्चित रूप से आनंद भाई वही बेटे हैं जिनकी वजह से माता पिता का आशीर्वाद मिला, और ये अपने पिता पुत्र के उत्तराधिकारी हैं।